नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जी जिया दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर राहुल गांधी बोले रिजल्ट कह रहा देश मोदी शाह को नहीं चाहता सवाल जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे क्या जवाब गठबंधन की बैठक में तय होगा जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर है लोकसभा की पांच सीटों पर जारी गिनती के बीच मंगलवार की देर शाम साढ़े बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहन प्रियंका गांधी के साथ वे मुस्कुराते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचे उनके साथ मां सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश भी शामिल थे राहुल ने मीडिया से मिनट तक बातचीत की उन्होंने लोकसभा के रिजल्ट और को लेकर कहा कि देश को को नहीं चाहता यह लड़ाई संविधान बचाने की थी मैं सच बताऊं तो मेरे माइंड में था कि जब हमारा अकाउंट सीज किया गया दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया तब मेरे जहन में था कि जनता संविधान बचाने के लिए लड़ेगी चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी का पोस्ट बोली जोश अब भी है। जी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर टिकट पर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ी स्मृति ने हार स्वीकार कर सेवा करती रहेगी एक दशक से भी समय तक मैंने एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों की सेवा की मैंने लोगों की जिंदगी सवार उम्मीदों और आकांक्षाओं को बुनियादी ढांचे पर काम करने में अपना समय बिताया मैंने सड़कें नालियां बाईपास मेडिकल कॉलेज और भी बहुत कुछ बनवाने का काम किया है स्मृति ईरानी ने कहा कि हर और जीत में मेरे साथ खड़े रहने वालों का मैं हमेशा आभारी रहूंगी चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर जिस राज्य में बीजेपी का खेल बिगड़ा प्रधानमंत्री मोदी उस पर रहे खामोश जी दोस्तों लोकसभा चुनाव में जिस राज्य ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में उस पर खामोश रहे दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के उन सभी राज्यों का जिक्र किया जहाँ बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली लेकिन यूपी हरियाणा महाराष्ट्र और राजस्थान पर वो कुछ भी नहीं बोले उन्होंने कहा कि इस जनादेश के कई पहलू हैं उन्नीस के बाद यह पहली बार है कि कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार में लौटी हो मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सारी सीटें जीतने में सफल रही है प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता पर खुशी जताई उन्होंने कहा कि राज्य में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर राहुल गांधी ने कांग्रेस को दुगनी सीटों पर पहुंचाया चौदह की उम्र में दादी इक्कीस में पिता की हत्या पप्पू के टेग से कैसे बने विपक्ष की मजबूत आवाज जी हाँ बड़ी खबर इस वक्त है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को लगभग दुगनी सीटों पर पहुंचा दिया है ऐसा करने वाले वह पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बने हैं दरअसल दोस्तों दो लोकसभा चुनाव नतीजों के मंगलवार दोपहर में ही ट्रेंड्स सामने आ गए थे तीन से घटकर बीजेपी दो सीटों पर पहुंच गई कांग्रेस अपनी सीटें बाउन से दुगनी करते हुए सो सीटों के पार दिख रही थी एनडीए के चार पार के नारे के बीच यह एक बड़ा उलट माना जा रहा है इन नतीजों में राहुल गांधी एक अहम किरदार बनकर उभरे हैं दोस्तों राहुल गांधी की कहानी भी बेहद दिलचस्प रही है उन्होंने अपने बचपन बच, में अपनी दादी को और जवानी में पिता की हत्या को होते हुए देखा और साथ में जब वह राजनीति में आए तो उनको पप्पू का टैग भी दिया गया लेकिन उन्होंने इन सब से पार पाते हुए कांग्रेस पार्टी को आज लगभग दुगनी सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है चलिए दोस्तों जान लेते हैं हैं अगली खबर जेल में बंद अमृतपाल सिंह जीते बीजेपी का हुआ साफ पंजाब का फाइनल नतीजा दोस्तों जीत लिया है। सीटों पर कांग्रेस तीन सीटों पर आम पार्टी, एक सीट पर अकाली दल और दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है यहाँ बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है यहाँ पर दोस्तों किसान आंदोलन का सीधा सीधा इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है पंजाब के किसान सबसे ज्यादा बीजेपी से नाराज थे दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर 100 प्रतिशत फ्रूट जूस के दावों को लेबल और विज्ञापन से हटाए का फूड कंपनियों को निर्देश कहा फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही है कंपनियां जी दोस्तों फसाई ने सभी फूड कंपनियों को अपने फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों से फ्रूट जूस के दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी इतना ही नहीं फसाई ने सभी फूड कंपनियों को अपने मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग मेटेरियल एक सितंबर दो हजार से पहले खत्म करने का भी निर्देश दिया है दोस्तों एफ ने आगे कहा कि जांच के बाद फूड रेगुलेटर इस निष्कर्ष पर पहुंचाए की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 के अनुसार सौ प्रतिशत दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर केरल में बीजेपी की एंट्री कर्नाटक में ब्रांड मोदी हुआ फेल तमिलनाडु में डीएमके का गढ़ कायम नहीं चला अन्ना मलाई का भी जादू जी दोस्तों लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत से मिली जुली खबर मिली एक तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया और केरल में भी एंट्री कर ली लेकिन कर्नाटक में उसे नुकसान हुआ और तमिलनाडु का दरवाजा इस बार भी उसके लिए बंद ही रहा प्रधानमंत्री मोदी और अन्ना मलाई का जादू भी कायम नहीं काम नहीं आया केरल में भी बीजेपी चीफ के के सुंदरन की नाड से राहुल गांधी के खिलाफ करीब पांच लाख वोटों से हार हुई है कर्नाटक जो कभी बीजेपी का गढ़ था वहां सीटें बढ़ने की बजाय इस बार घट गई कर्नाटक में पहली बार बीजेपी जेडीएस ने अलायंस में लोकसभा चुनाव लड़ा था बीजेपी को उम्मीद थी कि अलायंस के दम पर वो पूरी अट्ठाईस सीटें जीतेगी लेकिन सीटें बढ़ने के बजाय कम हो गई यहां बीजेपी छब्बीस से अठारह सीट पर सिमट गई चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर चांद के अधेरे हिस्से से निकाली दो के मिट्टी चीन का मून लैंडर धरती पर लौट रहा कामयाब हुआ तो ऐसा करने वाला पहला देश होगा

चंद्रमा पृथ्वी और सौरमंडल के बनने और उनका विकास होने से जुड़े सुराग मिल पाएंगे चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर नतीजों के बाद कांग्रेस ने बुलाई इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा जी हाँ कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं लेकिन उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है स्पष्ट बहुमत तो बीजेपी को भी नहीं मिला है अब दोस्तों आगे की रणनीति क्या रहती है इसको लेकर इंडिया ब्लॉक ने अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई है बुधवार को संभवतः यह मीटिंग हो सकती है

स्टोरी पोस्ट की। उन्होंने कहा कि दुनिया का एक आम नागरिक होने के नाते ये देखना बेहद डिस्टर्बिंग है की भारत और ग्लोबली ऑनलाइन प्रोटेक्शन के कानून कितने अलग है अक्सर इनका फायदा वो लोग उठाते हैं जो लापरवाह रवैये से मासूम बच्चों को रिस्क में डालकर घटिया मीडिया अटेंशन चाहते हैं चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर राय बरेली या वायनाड विपक्ष में या सरकार में रहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने हर एक सवाल का दिया जवाब जी हाँ दोस्तों लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने राय बरेली या वायनाड विपक्ष में या सरकार में रहेंगे हर एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने कहा की जनता ने भाजपा का हिसाब कर दिया है देश ने मोदी को नकार दिया यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था एक दल एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सीबीआईडी और जुडिशरी के खिलाफ हम लड़े क्योंकि इन संस्थाओं को मोदी और अमित शाह ने कैप्चर किया राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की थी जब इन लोगों ने हमारे बैंक अकाउंट कैंसिल किए कई मुख्यमंत्री को जेल में डाला तो मुझे यकीन हो गया था कि हिंदुस्तान की जनता इनके इस कदम को सफल नहीं होने देगी चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर चुनाव नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया वाशिंगटन पोस्ट ने कहा मोदी पहली बार बहुमत से चूके अल जजीरा ने लिखा जीते तो भी पीठ नहीं थपथपा पाएंगे जी दोस्तों भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती खत्म हो गई बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजों को न सिर्फ देश के लोग बल्कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी न्यूयॉर्क के यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन का बीबीसी लाइव कवरेज कर रहा था दरअसल दोस्तों बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने नतीजों को प्रधानमंत्री मोदी के दस साल के कार्यकाल मोदी को में लिखा गया है इसके अलावा दोस्तों ली मोड ने लिखा है के, साल के नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में रह सकते हैं इस बार मैंडेट चेतावनी के साथ मिला है मोदी ने जनता से अपनी पार्टी के लिए तीन और अपने गठबंधन के

वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी फिफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी फिफ्टी के टॉप गेनर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटानिया और नेस्ले इंडिया रहे जबकि निफ्टी फिफ्टी के टॉप लूजर्स में अडानी पोर्ट्स अडानी इंटरप्राइज़ेज़ और ओ रहे चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी सोना सात सौ रुपए महंगा होकर बहत्तर हजार रुपए पर पहुंचा चांदी हजार रुपए से ज्यादा चढ़ी जी दोस्तों चुनावी नतीजे वाले दिन सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर आई बी की वेबसाइट के अनुसार दस ग्राम चौबीस कैरेट सोना सात सौ रुपए महंगा होकर बहत्तर हजार रुपए पर पहुंच गया वही दोस्तों चांदी की बात करें तो आज एक किलोग्राम चांदी एक रुपए महंगी होकर इक्यानवे रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है इससे पहले तीन जून को चांदी नब्बे हजार दो सौ सत्रह रूपए प्रति किलोग्राम पर थी दोस्तों एक तरफ जहां शेयर बाजार चुनावी नतीजों के बाद जमकर टूटा तो वही दूसरी ओर सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर बिग हिट यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी का पच्चीस साल पुराना किला किया ध्वस्त जीता बहरामपुर का चुनाव जी हाँ दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है यूसुफ पठान इस चुनाव में टीएमसी के टिकट पर मैदान पर थे यूसुफ ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हराया अधीर रंजन चौधरी उन्नीस से इस सीट से सांसद की, की हालांकि जो मेरे साथ रहे हैं मैं खुश हूँ यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ताओं की जीत है रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं मैं अधीर रंजन जी का सम्मान करता हूँ और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा मैं सबसे पहले एक स्पोर्ट्स अकादमी बनवाऊ ताकि युवा अपना करियर बना सके मैं उद्योगों के लिए भी काम करूंगा मैं यहां रहूंगा और लोगों के लिए काम करूंगा मैं गुजरात में भी रहूंगा क्योंकि मेरा परिवार वही है बहरामपुर में मुझे एक नया परिवार मिला है मैंने दीदी यानी कि ममता बैनर्जी से बात की वो भी खुश है चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर आतिशी बोली जेल में अरविंद केजरीवाल को कूलर तक नसीब नहीं 50 डिग्री तापमान में खुकार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है भाजपा एल की क्रूरता की सीमा नहीं जी दोस्तों दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल को ऐसी कोटरी में रखा गया है जहां कूलर तक नहीं है दिल्ली का तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहा है ऐसे समय में तिहाड़ में खुकार अपराधियों के लिए भी कूलर की व्यवस्था की जाती है लेकिन सीएम को बिना कूलर के रहना पड़ रहा है आतिशी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी और एल से पूछना चाहती हूं कि आप लोग और कितना नीचे गिरोगे क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन के टॉयलेट में मिला करोड़ों का सोना देखकर दंग रह गए कस्टम अफसर जी हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े एक प्लेन के टॉयलेट से करोड़ों का सोना बरामद किया गया है इसका वजन पांच करीब नौ करोड़ और बताई जा रही है कस्टम विभाग ने सोने को जब्त कर लिया है सोने की तस्करी कहां से हुई है इसकी जांच हो रही है वही दोस्तों कस्टम विभाग के अफसरों ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई से आए एक प्लेन की तलाशी ली तो उन्हें टॉयलेट में एक काले रंग का रबर का टुकड़ा मिला इसके बाद जब उसकी जांच की गई तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए उस रबर के टुकड़े के अंदर छह सोने की छड़े छुपा रखी थी कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्लेन के अंदर पांच पॉइंट नौ किलोग्राम वजन की छह सोने की छड़े बरामद की गई है जिनका टैरिफ मूल्य टेरिफ करोड़ रुपए है इसे भारत में तस्करी करके सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना लाया गया है लेकिन सोने की तस्करी कहा से हुई है इसकी जांच चल रही है चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर अफगानिस्तान की टी वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी जीत युगांडा को 125 रनों से हराया फारूकी को पांच विकेट गुरबाज जादरान के जी का में युगांडा ने मंगलवार को गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बीस ओवर में पांच विकेट खोकर एक सौ तिरासी रन बनाया और एक सौ चौरासी रन का टारगेट दिया जवाब में युगांडा सोलह ओवर में अट्ठावन रन पर ही

चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर मुंबई में शुरू हुई प्री मानसून गतिविधियां महाराष्ट्र में 10 जून को होगी मानसून की एंट्री आईएमडी ने दे दी जानकारी जी हां दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही हालांकि मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन डिपार्टमेंट की ओर से मानसून को लेकर अपडेटेज जारी किया गया है जिससे महाराष्ट्र के लोगों को चिल गर्मी से राहत मिल सकती है आई की माने तो मुंबई समेत महाराष्ट्र में दस जून तक मानसून दस्तक दे सकता है दोस्तों आपको बता दें दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में अपने निर्धारित समय से पहले ही 30 मई को पहुंच गया था वहीं अब तक मानसून केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच चुका है मौसम मौसम भारतीय विज्ञान, विज्ञान विभाग यानी कि कि डिपार्टमेंट का कहना है जल्द ही मानसून अन्य राज्यों में भी पहुंचने की संभावनाएं हैं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान, विज्ञान विभाग के मुताबिक जून के अंत तक दिल्ली में मानसून आ सकता है वहीं बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन की सामान्य तारीख दस से पंद्रह जून के बीच है देश में इस साल समय से पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी मानसून अपने तय समय से पहले ही पहुंच सकता है चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर शिवराज सिंह चौहान की प्रचंड जीत कांग्रेस प्रत्याशी को आठ लाख ऐसी ज्यादा वोटो ऐसी हराया जी दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट आरोप धमाकेदार जीत दर्ज की है शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी प्रताप भानु शर्मा को आठ लाख ऐसी ज्यादा वोटो ऐसी हराया दोस्तों यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत है इंदौर में बीजेपी के ही शंकर लाल वाली ने 10 लाख से ज्यादा वोटों से विजय श्री मंगलवार सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना में शाम छह बजे तक शिवराज सिंह चौहान लाख सोलह तीसरे नंबर पर बसपा के किशन लाल रहे वहीं दोस्तों विदिशा लोकसभा सीट की बात करें तो यह सीट बीजेपी जनसंघ का गढ़ मानी जाती रही है इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता जीत हासिल कर चुके हैं चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर चंद्रशेखर आजाद की जीत ने बढ़ा दी मायावती की टेंशन यूपी में दलितों को मिला नया मसीहा जी दोस्तों लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिस सीट पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई थी थी वह नगीना लोकसभा सीट सीट इस सीट पर भाजपा के ओम कुमार का सीधा मुकाबला आजाद समाज पार्टी काशी राम के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद से था वैसे दोस्तों आपको बता दें कि यह सीट इंडिया अलायंस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी और सपा ने इस पर अपनी पार्टी के मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया था वहीं इस सीट पर बसपा ने भी सुरेंद्र पाल सिंह को रावण के मुकाबले के लिए उतारा था लेकिन यहां पर जीत रावण की ही हुई दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा के ओम कुमार को कड़ी टक्कर देते हुए। सीट पर एक से वोटों के अंदर से जीत की है। तो दोस्तों यह की तमाम बड़ी बाद दोस्तों आप जीत सकते स्क्रीन पर आ चुका है भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो लगातार